आज प्रेस के साथियों को बुलाया है। आप सब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और होली के त्यौहार की शुभकामनाओं की शुरुआत हम आपसे ही कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से इलाके की सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, बरोदा हल्के की, गोहाना हल्के की और सोनीपत और जींद और पूरे हरियाणा को मैं होली की शुभकामना देता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में और देश में आज जो खुशी का माहौल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश भारत इतनी जोरदार एक स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है, और हरियाणा में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने जो तरक्की की है, उसके लिए मैं होली की भी शुभकामना देता हूँ और उस तरक्की के लिए भी मैं हरियाणा की जनता से बधाई देता हूँ। और शुभकामनाओं के साथ ऐसी भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे को मिले हैं हरियाणा के अंदर, और देश को, देश का सौभाग्य है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे यशस्वी तरक्की देने वाले और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाले और देश का नाम विश्व में रोशन करने वाले ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे देशवासियों को मिला है। प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में अमन शांति और भाईचारे के साथ हम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खूब हमारा प्रदेश और देश तरक्की करता रहे। जाने के लिए जैसा हम क्योंकि साथ में बैठते हैं, मैं प्रदेश में सचिव हूँ और रोजाना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सुनते हैं, चाहे प्रेस के माध्यम से सुनते हैं, चाहे हम वर्चुअल जो है मीटिंगों में सुनते हैं, और देश जो जो है हमारी पार्टी के नेताओं को भी सुनते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जल्दी से जल्दी जो है ये टिकटों के जितने भी आवंटन हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमारी पार्टी की सारी चुनाव की तैयारियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के बीच में रहती है और जनता की सेवा में तत्पर रहती है, और हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर तक, हमारे पन्ना प्रमुख बूथ स्तर तक कार्यकर्ता, और हमारा एक पूरा का पूरा नीचे से लेकर के बूथ और गांव से लेकर के और पूरा केंद्र तक हमारा जो भी पूरा संगठन, पूरे प्रदेश का संगठन, देश का संगठन हमेशा तैयार रहता है और हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए मैं ये बात आपकी बात का जवाब दूं हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और जनता भी, देश की जनता भी देश के पार्टी के साथ है। जी, प्रदेश सचिव हो आप, जी इस बार हरियाणा में कितने सांसदों की टिकट कटने जा रही है और कितने नए लोगों को इसकी मौका मिलेगा? देखो, ये टिकट देना, टिकट काटना, ये पार्टी के आला कमान और पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। किसी नए आधार पर भी दिया होगा किसी चैनल अभी जो देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व की पहली पार्टी है, और जो दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे पूजनीय मुखर्जी साहब और हमारे जितने पहले भी नेता हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय अमित शाह, पूरी की पूरी पार्टी, इस पार्टी में ही ऐसा संभव है कि पिछली कतार से आगे ला करके भी कार्यकर्ता को मौका मिलता है। आपके सामने है कि देश के अंदर प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए गए और कितने ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिकटें दी हैं जो एक साधारण घर से निकल करके आते हैं और जिनके अंदर एक जज्बा है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और पार्टी का झंडा जो बुलंद करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के संगठन के नेताओं का काम है। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और जयकारा करते हुए जनता की सेवा करना और पार्टी के लिए काम करना। गया क्या देखिए, आपकी मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ,
किसको टिकट मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा काम है कि हम पार्टी का झंडा बुलंद रखें और जनता की सेवा करें। नहीं, अभी देखो जो भी फैसला होगा, मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला होगा, प्रदेश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। देखो जो जहाँ नुकसान होया है, हमारी सरकार उसकी सर्वे करने लग रही है, और किसान के हित में जो अच्छे से अच्छा काम होगा, वो अच्छे से अच्छी जो भी मदद सरकार दे सकती है वो देगी, पहले भी दी है, आगे भी देगी। और किसानों के लिए तो इतनी स्कीमें सरकार ने चला रखी हैं कि आप स्कीमा गिनने लगो तो गिनने में नहीं आओ, यानी कि अनगिनत हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे हमारे दलित भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े भाई हैं, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारा छोटा दुकानदार भाई है, चाहे जो मेहनत कश लोग हैं। एक हमने हमारी विश्वकर्मा योजना जो इतनी अच्छी योजना है, यानी कि 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की लागत से जो हमारे एक साधारण मेहनत कश लोग, चाहे जो है लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, जितने भी हमारे वर्ग हैं, भाई हैं, उन सब के लिए विश्वकर्मा योजना ऐसी जो एक संजीवनी बूटी आई है कि 10-15 हज़ार पहले ब्याज पे लेते थे लोग आपसदारी में, और अब सरकार दे रही है, और उसके बाद जो है सब्सिडी में 1 लाख मिलेगा, उसके बाद 2 लाख मिलेंगे। कितनी अच्छी स्कीमें ऐसी ऐसी, इतनी ऐसे ही किसान भाइयों के लिए, दुकानदार वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योग के लिए, छोटे उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है, जो एक हमारा पहले सपना था और हमारे नौजवानों का आज भी वो चीज़ का एक करंट आता है, यानी कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं कि मेड इन क्या है, मेड इन कौन से देश की बनी हुई है। तो एक वो होता था कि ये तो जो है इम्पोर्टेड है, और आज जो है हिंदुस्तान की जो है चीज़ें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कुछ भी है, मेड इन इंडिया लिखी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है कि विदेशों के अंदर आज इन मेड इन इंडिया की चीज़ों को, उनकी जो है इंस्ट्रूमेंटों को खरीदते हैं लोग कि भारत में बनी हुई है, ज़रूर अच्छी होगी। यानी कि मेक इन इंडिया का सपना और मेड इन इंडिया का सपना ऐसा साकार हो रहा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। कौन सोच सकता था कि हमारे देश में जहाज बनेंगे, कौन सोच सकता था कि हमारे देश में हमारे आर्मी फोर्सेस के बड़े बड़े हथियार बनेंगे, ऐसी ऐसी, यानी कि इंडिया के अंदर आज जो है दवाइयां बन रही हैं, बड़ी बड़ी जो है उद्योग इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया मोदी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है, और हमारा भी जो सपना था वो साकार हो रहा है। देश खूब तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में, कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मनोहर लाल जी की सरकार में इतनी शक्ति है कि अफसरों के साथ ऐसा तालमेल है कि यहाँ ईमानदारी का राज है, ईमानदारी के राज में, और इतने शक्ति के साथ जो है क्राइम को ख़त्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है, और दोषियों को बिल्कुल धर पकड़ करके, उनको दबोच करके न्याय किया जाएगा। और क्राइम की जहाँ तक बात है भैया, देखो क्राइम अगर, जब जो क्रिमिनल लोग हैं वो महा निकम्मे लोग होते हैं, उनको जो है पकड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा। जी अभी मोदी की गारंटी लिखा रहा है, बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं, इस पर क्या कहना? मोदी जी बीजेपी के ही तो हैं। क्या मोदी जी बीजेपी से ऊपर हो गए क्या? बीजेपी और मोदी एक ही चीज है, और ये पार्टी का फैसला है। और मोदी जी ने जो यश, जो इज्जत संसार के अंदर बढ़ाई है, तो बीजेपी भी अपने सर पे क्यों नहीं, हम उस मोदी जी की उसको पेटी को रखेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अपने कुटुंब के, जो कुटुंब का अध्यक्ष होता है, हमेशा कुटुंब उसके गुणगान नहीं करेगा तो कौन सी वो बात है, गुणगान करने चाहिए। क्योंकि मोदी जी ने पार्टी का नाम बढ़ाया है, पार्टी को मजबूती दी है, देश को मजबूती दी है, पार्टी का नाम रोशन किया है, तो मोदी जी का गुणगान करेंगे और आगे भी करेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल जी का गुणगान करेंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी ने पार्टी की इज्जत बढ़ाई। हरियाणा में जयप्रकाश नड्डा जी का गुणगान करेंगे, अमित शाह जी का गुणगान करेंगे, नायब सैनी जी का गुणगान करेंगे, सारी की सारी जो टीम है।
और हर कार्यकर्ता का गुणगान करेंगे, चाहे हमारा कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सिरमौर मोदी जी हैं, और मोदी जी का गुणगान हर हालत में करेंगे। उमेश जी, आज जो आप लड्डू खिला रहे हैं, क्या ये टिकट मिलने से पहले? ये टिकट का कोई सवाल नहीं है दोस्त, यहाँ ये होली मिलन पे आप सबको हमने बुलाया है। एक बार फिर मैं बात को दोहराऊं कि प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, आप साथियों को आज हमने बुलाया है। हमने सोचा कि होली के त्यौहार की शुरुआत आप ही से कर दें, और ये भी जो है मोदी जी की गारंटी है कि प्रजातंत्र के आप जो है प्रेस के भाई चौथे स्तंभ हैं। हार्ट, हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ आर बॉडी। हियर वी एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। ब्लड सर्कुलेट्स टू टाइम्स थ्रू द हार्ट। फर्स्टली द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इनटू राइट एट्रियम थ्रू सुपीरियर वेना केवा, एंड देन इट एंटर्स इनटू राइट वेंट्रिकल बाय क्रॉसिंग ट्राइकस्पिड वाल्व। After that, deoxygenated blood goes to lungs for oxygenation through pulmonary artery. After oxygenation, oxygenated blood enters into left atrium through pulmonary vein. From left atrium, oxygenated blood enters into left ventricle through bicuspid valve. Now, oxygenated blood enters into aorta, and the oxygenated blood distributes itself to all body parts and organs.